हाय एवरीवन, वेलकम टू ब्रास सॉल्यूशंस। आई एम रवि रमावत और आज हम बात करने वाले हैं अबाउट वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग कोर्स इन 2024, डेटा एनालिटिक्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज डेटा एनालिटिक्स, व्हाई इट्स इन डिमांड, डिटेल्ड रोड मैप ऑन हाउ टू बिकम प्रो इन डेटा एनालिटिक्स, टूल्स यू नीड टू कवर, कौन से प्रोजेक्ट्स करने हैं और कैसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, एंड हाउ कैन यू सर्च फॉर ट्रेंडिंग गुड जॉब्स एंड हाउ टू अप्लाई फॉर देम। तो अगर आपको डेटा एनालिटिक्स में सक्सेसफुल करियर बनाना है तो कीप वॉचिंग दिस वीडियो। सबसे पहले लेट्स डिस्कस व्हाट इट इज। डेटा एनालिटिक्स में हम डेटा को एनालाइज करके ट्रेंड्स और पैटर्न्स ढूंढते हैं जो बिजनेस डिसीजंस में हेल्प करते हैं। नाउ व्हाई डेटा एनालिटिक्स इज इन डिमांड। आज के टाइम में हर कंपनी डेटा को यूज करके अपना बिजनेस इम्प्रूव करना चाहती है, इसीलिए डेटा साइंटिस्ट और एनालिस्ट की डिमांड बढ़ रही है, प्लस सैलरी भी काफी अट्रैक्टिव होती है। चलिए अब रोड मैप की बात करते हैं। स्टेप 1, बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग फाउंडेशन है डेटा एनालिटिक्स के लिए। आपको पाइथन या आर सीखनी पड़ेगी क्योंकि ये लैंग्वेजेस डेटा के साथ काम करने के लिए बेस्ट है। पाइथन इज इजी टू लर्न, वर्सेटाइल एंड हैज ग्रेट लाइब्रेरीज लाइक पांडास, नंपाई एंड साइकिटलर्न, वेयर एज R is specifically designed for statistical analysis. And now, step 2, statistic and mathematics. Data analysis के लिए strong mathematical and statistical background होना जरूरी है. In statistic, we understand concepts like mean, median, mode, standard deviation, hypothesis testing and probability. Step 3, लर्न अबाउट databases. डेटा को स्टोर और मैनेज करने के लिए database knowledge होना जरूरी है. In SQL, learn how to write queries to fetch and manipulate data from databases. NoSQL is for unstructured data, and learning databases like MongoDB can be useful. Step 4, data visualization. Data ko visualize karna bahut zaruri hai taki insights easily communicate ki ja sake. Power BI and Tableau are powerful tools for creating interactive visualizations and dashboards, whereas Matplotlib and Seaborn are for creating static, animated and interactive visualization. And finally, step 6, work on projects. आप real world projects पे काम करके अपनी skills को practically apply कर सकते हैं. Participate in Kaggle competitions, upload your projects on GitHub to showcase your work. And you can also work on some personal projects to identify and solve problems using data analytics techniques. Now, what are the tools you need to cover? Tools के बिना data analytics possible नहीं. तो ये कुछ important tool है जो आपको आने चाहिए. Excel, SQL, Power BI और Tableau, Python और R. Learning के साथ साथ projects बनाना और practice करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी. And finally बात करते हैं job search की. Firstly, LinkedIn और job portals पे active रहो. Networking करो, अलग-अलग internship ढूंढो और रेज्यूमे को अपडेट करते रहो. साथ में सॉफ्ट स्किल पे वर्क करो, ज्यादा से ज्यादा कंपनीज में अप्लाई करो. और हाँ, अप्लाई करने से पहले जॉब डिस्क्रिप्शन देखना मत भूलना. तो ये था एक ओवरव्यू डेटा एनालिटिक्स का. अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना. ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना.